हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेसिपियाना। मैं सौम्या सिंह। आज हम आपके लिए फटाफट बनने वाली मालपुआ और रबड़ी की रेसिपी लेकर आए हैं। तो अगर आप मीठा खाने के शौकीन हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये मालपुआ की रेसिपी कैसी लगी। सबसे पहले हम आधा कप मैदा ले रहे हैं। इसी के साथ मैंने 1/4 कप यानी 1/4 कप मिल्क पाउडर लिया है। आप किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं। आज हम मावा यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो अब मैंने दूध लिया है। पहले हम आधा कप दूध ले रहे हैं और इसे हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और अच्छे से मिलाएंगे। हमें बिल्कुल स्मूथ बैटर चाहिए, लम्स बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। तो इसमें आप थोड़ा थोड़ा करके दूध डालें और अच्छे से मिलाएं। तो मैंने इसमें आधा कप दूध डाल दिया है और अच्छे से इसे मिला लेते हैं। बैटर अभी थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो इसमें हम थोड़ा सा और दूध डाल देते हैं। तो यहाँ मैंने 1/4 कप दूध और डाला है। पहले मैंने आधा कप डाला था और दोबारा मैंने 1/4 कप डाला है और अच्छे से मिलाते हुए बिल्कुल स्मूथ बैटर तैयार कर लिया है। तो हमें मालपुआ के लिए कुछ इस तरह का बैटर चाहिए। अब इसे हम ढक कर रख देते हैं और इसके लिए हम चाशनी और रबड़ी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए सबसे पहले हम चीनी ले रहे हैं 1 कप यानी 200 ग्राम। इसमें हम पानी डाल रहे हैं आधा कप। इसे हमें बीच बीच में चलाते रहना है और चीनी को अच्छे से मेल्ट करना है। चीनी मेल्ट हो गई है। अब इसमें हम कुछ केसर के धागे डाल देते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ज़रूर डालिएगा। और थोड़ा सा हम छोटी इलायची का पाउडर डाल रहे हैं। आप इसके जगह रोज़ वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे हम अच्छे से मिलाएंगे और लगभग 1 मिनट तक पकाएंगे। हमें चाशनी बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं चाहिए, केवल आधा तार की चाशनी चाहिए। तो यहाँ जो चाशनी है ये बनकर तैयार है और ये देखिए हाथ में हल्का सा चिपक रहा है और बहुत ही हल्का तार बन रहा है। तो चाशनी बनकर तैयार हो गई है। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसके बाद हमें रबड़ी बनाना है, जिसके लिए मैंने यहाँ ले लिया है मिल्क पाउडर आधा कप, 1 कप दूध ले रहे हैं। ये इंस्टेंट रबड़ी है और बहुत ही जल्दी बनती है और जैसे आप मार्केट में या दूध की रबड़ी बनाते हैं सेम वही टेस्ट आता है। अब मैंने कंडेंस मिल्क यानी मिल्क मेड लिया है और इसे हम 1/4 कप डाल रहे हैं, या आपको जितना भी मीठा पसंद है उस हिसाब से इसे डाल सकते हैं। और अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप इसके जगह पिसी हुई चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो गैस की फ्लेम को हम मीडियम या लो मीडियम रखेंगे और इसे हम लगातार चलाते हुए पका लेते हैं। इस रबड़ी को बनाते वक्त बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको इसे लगातार चलाना है, जिससे रबड़ी नीचे चिपकेगी नहीं और जलेगी नहीं। तो यहाँ जो रबड़ी है ये धीरे धीरे गाढ़ी होना शुरू हो गई है। आप इसमें केसर डाल सकते हैं, कटे हुए ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, पर यहाँ हम इसमें डाल रहे हैं केवल छोटी इलायची का पाउडर और अच्छे से मिला लेते हैं। लगभग इस रबड़ी को बनने में मुश्किल से 8 से 10 मिनट लगते हैं और यहाँ जो रबड़ी है ये बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे हम बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि जब ये ठंडी होगी तो ये गाढ़ी होगी। तो इसे हम एक कटोरी में निकाल लेते हैं और अब हम बनाएंगे मालपुआ। तो यहाँ जो इंस्टेंट रबड़ी है ये बनकर बिल्कुल तैयार है। मालपुआ का बैटर भी बिल्कुल तैयार है। जब तक मैंने चाशनी और रबड़ी बनाई तब तक मैंने इसे ढक कर रख दिया था और अब हमें मालपुआ बनाना है। मालपुआ बनाने के लिए आप घी या रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ घी का यूज़ किया है और बहुत ही हल्का इसे गर्म करेंगे। गैस की फ्लेम को लो मीडियम रखना है और अब इस घी में हम 1 चम्मच जो मालपुआ का बैटर है इसे डाल रहे हैं। इसे फैलाना नहीं है, सीधे आप डालें बीच में और ये अपने आप फैल जाता है। लगभग 1 से 1.5 मिनट बाद आपको इसे पलट देना है और दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई करना है। मालपुआ दोनों साइड से बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया है और इस मालपुआ में मैंने मावा यानी खोए का यूज़ नहीं किया है, मैंने यहाँ मिल्क पाउडर का यूज़ किया है। अब इस मालपुआ को हम तुरंत ही चाशनी में डाल देंगे और ये ध्यान रखें कि चाशनी गर्म होनी चाहिए। तो इसे हम चाशनी में अच्छे से डुबो देते हैं और इसी के साथ हम और भी मालपुआ बना लेंगे। आप एक साथ 2 से 3 मालपुआ बना सकते हैं अगर आपका पैन बड़ा है। तो बस आपको सीधा डालना है बैटर को तेल में या घी में और इसे अच्छे से फ्राई करना है दोनों साइड से और गरम चाशनी में इसे डालें आप। लगभग 4 से 5 मिनट हम चाशनी में इसी तरह छोड़ देंगे।
तो यहाँ जो हमारे मालपुआ है मिल्क पाउडर से बने हुए, ये बिल्कुल तैयार हैं। इसे आप गरम गरम या ठंडा सर्व कर सकते हैं। और ये देखिए रबड़ी भी कितनी ज़्यादा यमी लग रही है, बहुत ही अच्छी बनी है और बहुत ही जल्दी बनी है। तो अब हम मालपुआ को सर्व कर लेते हैं। आप मालपुआ को ऐसे भी यानी बिना रबड़ी के भी सर्व कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी बनी हुई है। और आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ी सी रबड़ी डालें, पिस्ता डालें, कटे हुए काजू बादाम डाल सकते हैं और इसे सर्व करें। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही और रेसिपी के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और इस घंटी को दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे हमारे आने वाले सभी नए वीडियो के।